स्वतंत्रता दिवस पर बिहार को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनने से कुछ नहीं होगा। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम कर रही है। वही असम और यूपी राज्य दो बच्चों वाली पॉलिसी लाने की तैयारी में है, जबकि नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर चुके हैं। बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद उन्होंने फिर कहा कि इस तरह का कानून बेकार की बात है। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद पहली बार उन्होंने तिरंगे को सलामी दी है। मौके पर उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और आगे की योजनाओं पर बात भी की। साथ ही महागठबंधन की बनी सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि तेजस्वी यादव जैसे सहयोगी मिले तो बिहार में 10 लाख क्या 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।